हेलो बच्चों, मैं श्वेता वर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वर अ की कहानी। अ हिंदी वर्णमाला का 8वां स्वर है। यह दीर्घ स्वर होता है। इसका उच्चारण करते समय ए से दोगुना समय लगता है। अ की मात्रा व्यंजनों के ऊपर से दो अर्ध वक्र रेखा होती है। अ की मात्रा की बनावट और उच्चारण का पर्याप्त अभ्यास सीखने वाले को करवाना आवश्यक है। अ की मात्रा का प्रयोग करते समय मात्रा को स्पष्ट दिखाना उचित रहता है, जिससे बच्चे में मात्रा की आकृति स्पष्ट हो सके। उचित होगा कि लिखते समय उच्चारण भी करवाया जाए, लेकिन लिखने से पहले पहचान पर कार्य करवाना चाहिए। चलिए तो सुनते हैं स्वर अ की कहानी। कैलाश के पास कैमरा है, उसे तस्वीर लेना बहुत पसंद है। आज उसने एक सुंदर मैना देखी, वह उसकी तस्वीर लेने पैदल निकल पड़ा। वह दूर मैदान तक गया, लेकिन मैना ना दिखी। तभी एक सैनिक मिला जो सैर पर निकला था। उसने बताया कि मैना एक पेड़ पर बैठी है। कैलाश पेड़ के पास गया। उसने मैना की तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। अब उसके पैर थक चुके थे। वह बैलगाड़ी में बैठकर घर वापस आ गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैलाश के पास क्या था? कैलाश किसकी तस्वीर लेने गया? कैलाश को रास्ते में कौन मिला? कैलाश तस्वीर लेने कहाँ तक गया? कैलाश किस पर बैठकर घर आया? इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।